डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो सब लोग, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जो फीमेल जानवर है और वो बीकानेर के अंदर पाया जाता है और काफी दिनों से पॉपुलर मतलब वायरल हो रहा है। से फॉलोअर इंस्टाग्राम पे है तो उनके यूट्यूब पे भी है, तो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर मिला कि इसके फिर भी 10-15 हज़ार से ही काम चल रहा है। इन सब से इनका घर नहीं चला तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए दीदी ने अपने कपड़े निकाल लिए, मतलब कपड़े पूरे नहीं निकाले, छोड़े कपड़े छोड़े हैं, मतलब थोड़े कपड़े अपने शरीर के ऊपर छोड़े हैं, बाकी तो हिंचू चोर बाजार वाले लेके चले गए बेचने के लिए, क्योंकि दीदी के पास पैसे नहीं थे। तो पैसे की वजह से ये इंस्टाग्राम फेसबुक इनके ऊपर वीडियो बना के वायरल होने लगी और दीदी ने अपने मुँह से गंदी हगना चालू कर दिया, मतलब मुँह से गाली। जवानी को जोश है, तू के उतार है के? और सुन प्रधान है, हर जैसे फुफंदिया ना चौकी तरह देखो रहे, खून की तो पानी में भाई। मतलब इसमें इतनी दम है कि ये एक आदमी को धमकी दे रही है कि ये बीकानेर है प्रधान, तो प्रधान को खुद को समझ में नहीं आया कि ये प्रधान का बीकानेर है या बीकानेर में प्रधान है, या बीकानेर की श्रेणी बताएगी, ये प्रधान को समझाना चाहिए। बीकानेर प्रधान है, बीकानेर माना कि दुश्मन मेरे भी बहुत है पर सैनिक का शिकार केवल मेवाराम जी कर सकते हैं। ये चाहती है कि बीकानेर को मेरी वजह से पहचाने कि बीकानेर वो है जहाँ पे वो लड़की है जो कैसे कपड़े पहनती है, ऐसे अश्लील जो आज के समाज में देखने के लायक नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे ऐसे रील चला रहे हैं तो वो तो यही देखेंगे ना, और एक बार ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी शब्द निकलेंगे जो किसी को गाली देगी, किसी को अच्छे बोलेंगे, तो फिर ये जाएंगे पुलिस के पास। अगर हमें अफीम के लिए, डोडा के लिए जो भी फसाया जा रहा है तो सारे इंस्टाग्राम, और हमें इंस्टाग्राम बंद करने के लिए बोल रहे हैं। यस, ये जांच करवा लीजिए गुड़िया की, इसकी तीनों की जांच में आए तब बताना कि हाँ ये अफीम रे कुछ है, मैं तो इसका नाम ही नहीं जानती हूँ क्या होता है ये, लेकिन ये बदनाम करने का रे ये ढूंढ रहे हैं कि इसको बदनाम कैसे करे इसको। आंटी जी, मेरा ये कहने का मतलब है आपकी लड़की पहले से ही बदनाम है, ये कौन होते हैं, हम कौन होते हैं, हम तो मतलब आम लोगों ने तो उसको फॉलो कर रखा है, हम कौन होते हैं उसको बदनाम करने वाले, वो बदनाम पहले से है मेवाराम के टाइम पे। तो मेवाराम मैंने कह रहा, कुछ आर्टिकल आए थे उन्होंने मेवाराम के साथ इसका नाम जुड़ा, बहुत से लोगों के साथ इसका नाम जुड़ रहा है, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेवाराम जी के साथ या उसके साथ किसी के साथ ऐसे टाइगर हो गया, हमको नहीं पता, हमने जो देखा है वो बता रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको टॉर्चर, वो पहले से बदनाम है, वो एक बार डांसर थी, बार डांसर थी या स्टेज डांसर थी जो कि वो बाढ़ में डांस या रोड पे डांस कर रही है, तो वो पहले से बदनाम है, उसको कौन बदनाम कर सकता है, वो किसी को बदनाम कर रही है, मतलब वो पुलिस वाले को बोल रही है कि वो कंट्रोवर्सी करके अपने चैनल को या पेज को, उसको मतलब फॉलोवर बढ़ जाएंगे इंस्टाग्राम पे। पब्लिसिटी चाहने के लिए इनका सहारा लेके, हमारा सहारा लेकर फॉलोवर्स कमाने के लिए, और हमें हमारे ऊपर रोस्ट करने के, रोस्ट करके और खुद को अच्छा बताएगी, ये पुलिस वालों का ये कानून है, क्या नाम है तेजस। तो इसका मतलब क्या है, क्या कहना क्या चाह रही है वो, मतलब पुलिस वाले उनसे कंट्रोवर्सी करेंगे, फिर उसके फॉलोअर पुलिस वाले बढ़ाएंगे, पुलिस वाले पैसा कमाएंगे, मतलब दीदी का कहना लाजवाब है बहन जो, दीदी आ कहाँ से रहा है इतना कॉन्फिडेंस जो पुलिस वाले से टक्कर ले रहे हो। जब पुलिस वालों ने आंटी को और दीदी को जब धोया, घर से निकाल के लेके गए, दीदी को जो धुलाई की, दीदी को पूरा अच्छे से मतलब सर्फ एक्सल जो भी था ना उसको एक बाल्टी में डाल के, मशीन में नहीं डाला, बाल्टी में डाल के जो उसको अच्छे से धोया ना, तो दीदी हो गई लापता, मतलब पुलिस के ऊपर केस डालने के लिए कि पुलिस वाले उसको मारे या जार जबरदस्ती की। मतलब पुलिस वाले दीदी को मारे तो दीदी वहां से फरार, या पुलिस वालों ने किडनैप कर लिया, ऐसे टाइगर ने किडनैप करवा दिया, तो दीदी का कहने का उसकी बहन का मतलब था कि दीदी को ऐसे फेम मिलेगा,
दीदी को फेम मिलेगा तो पब्लिक उसके सपोर्ट में आएगी, लेकिन सपोर्ट में कितने आए, ये दादी जी और चार लोग। कुछ सुनाई नहीं हो रही है हमारे, ना बिल्कुल भी सुनाई रहे हैं, आके मुझे धमकी देने जा रहे हैं। जी ये पुलिस वाले हंस रहे हैं कि ये आ क्यों गए, तो उसके सपोर्ट में और कोई है नहीं। तो फिर दीदी निकली 4 दिन बाद में घर से अपनी माँ का फोन लेके, और फिर जब रोना चालू हुआ तो दीदी रोने लग, पापा को जितना धमका रखे मैं मम्मी ना आ जाए, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। कोई भी हो तो प्लीज हेल्प कर दो, मेरी मम्मी मर जाएगी 3 दिन से, अभी 10-15 दिन हुआ ऑपरेशन हुआ है गले का मम्मी का, मेरी मम्मी मर जाएगी सत में से, इसलिए मैं बाप बेटी दोनों मम्मी को नहीं बताया जा रहा है। उस दिन भी 3 बजे रात को फोन किया था, मम्मी को यही बोला था बेटी से बात करो, तो पापा ने यही बोला बेटा ये लोग मुझे मार देंगे तो ये चीज का वीडियो चढ़ा दे। तो मैंने खुद को उठा के दिल्ली में उसका वीडियो चढ़ाया, हम तीनों बहनों का घसीड़ा जा रहा है, और बिना फांस का कोई हमारे इतने तो दीदी आपकी गांड में इतना बुद्धा ही नहीं था कि बीकानेर की शेरनी पुलिस से टक्कर नहीं ले सकती, तो फिर ऐसे रील बनाते क्यों हो? जब तुम्हारी माँ की बहन की गांड में इतना बुद्धा ही नहीं है कि तुम्हारी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं, तो फिर ऐसा क्यों करते हो? क्यों अंगुली से अपने वो गांजा वांजा किया चर्च वर्च क्यों खा रहे हो? वो भैंस का गुड़ था वो क्यों खा रहे हो? अंगुली तो दे रखी थी ना, तेरी माँ का कहना है कि अंगुली दे रखी थी, तो वो अंगुली दी क्यों आपने? वो इसने आंगली कर रखी है, लेकिन वो गुड़ है, रसकटिया गुड़ होता है कालिया, वो गुड़ है, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है, कोई नशे वाली है, नशे वाली हो ही। क्यों आप ये सोच वाले ये पहन के क्या दिखाना चाहती हो? अरे भाई सबके पास है, तुम्हारे से भी बड़े बड़े हैं आंटी, तुम्हारे से भी बड़े बड़े हैं दीदी, टेंशन मत लो आप। ये कोई दिखा के आप फॉलोअर मिल जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे खासे पैसे या गिन, तुम कभी तो बोलते हो तुम गरीब हो, कभी बोलते हो तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम किसी को भी उठा लोगे या किसी को, तुम धमकी देते हो जयपुर आओ जोधपुर आओ, जो अभी तुम जयपुर बुला रहे हो, जयपुर मेवराम के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए वो जयपुर आए, क्योंकि अभी वो मूव ऑन कर चुका है, वो अभी तुमसे आगे बढ़ चुका है, अभी तुम एस एस टाइगर और उसके लिए मोहित के लिए काफ़ी हो तुम। और मेरा कहने का मतलब ये है कि पुलिस से बच के रहो, ये अंगुली आंटी का को मेरे को, मेरा कहने का मतलब आंटी को भी है कि आंटी ये अंगुली को थोड़ा कंट्रोल में रखो, वरना ये अंगुली पुलिस की अंगुली ऐसे हो जाएगी तो वो पता नहीं आपके कहाँ कहाँ जाएगी। मेरा कहने का मतलब इसको सुधार करो और यहीं एंड करो, और मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आगे ऐसा ना हो और अच्छे से सुधार करो। नमस्ते जी, और जितने भी फॉलोअर हैं अनफॉलो करके अभी अपने बच्चों का भविष्य सेव कर लो।